आज हम लेकर आए हैं चाय के साथ खाए जाने वाले क्रिस्पी और टेस्टी समोसे। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके के समोसे हैं। आप इसे चाय के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डो बनाएंगे। एक बड़े से बर्तन में 2 कप मैदा और थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे और इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब इसमें हम 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करके बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक इसका टेक्सचर हल्का बाइंडिंग जैसा ना हो जाए। बिल्कुल बढ़िया से रगड़ रगड़ के मिक्स करेंगे। थोड़ी देर के बाद आटा बिल्कुल बाइंडिंग हो जाएगा, ये देखिए। मिक्स करने के बाद अब हम इसको चेक करेंगे, ये देखिए। जब इसका टेक्सचर ऐसा हो जाए तब ये बिल्कुल परफेक्ट है, समोसे के डो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। हम बिल्कुल थोड़ा सा ही वाटर ऐड करेंगे और इसका एक टाइट डो बनाएंगे। बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते हुए हमें इसका डो बनाना है। हम बहुत ज़्यादा वाटर नहीं ऐड करेंगे। एक बार वाटर ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और इसका डो बनाएंगे। हमें लगभग 1/2 कप वाटर लिया है। इससे ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है। थोड़ी देर में ये बिल्कुल बढ़िया से बाइंड हो जाएगा, ये देखिए। अब इसे हम हल्का सा गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद इसको बिल्कुल बढ़िया से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम इसे लगभग 1/2 से 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि डो बिल्कुल सेट हो जाए। अब हम इसकी स्टफिंग्स बनाएंगे। आलू को एक ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। हमें इसको बिल्कुल बढ़िया से ग्रेट करना है और एक फाइन ग्रेटर से ग्रेट करेंगे ताकि आलू में कोई भी टुकड़े ना रह जाएं। बिल्कुल बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे और आलू को बिल्कुल बढ़िया से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद छिलके छिलके हल्का ठंडा करने के बाद ही इसको ग्रेट करेंगे। ये जो आलू के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं इसको भी बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। ऐसे ही पूरा ग्रेट कर लेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला, आप इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर के बाद काली मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी मसाले ऐड कर सकते हो। बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटी हुई धनिया ऐड करेंगे। हमें इसको बिल्कुल बारीक कट करना है। सारे मसाले ऐड करने के बाद अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। आप चावल का आटा या ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकती हो। इसे बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हमने लगभग 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें जो आलू में एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो कॉर्नफ्लावर एब्जॉर्ब कर लेगा और समोसे बनने के बाद बहुत ही क्रिस्पी लगेंगे। इसे बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। अब हमारी स्टफिंग्स बिल्कुल तैयार है और डो को रखे हुए लगभग 1/2 से 1 घंटे हो गए। डो में से बड़ा सा पार्ट लेंगे और इसे बेलेंगे। हमें इसको बहुत पतला भी नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है, नॉर्मल ही बेलना है। जितना बड़ा हमने चकला लिया है उतना बड़ा बेल लेंगे। आप चाहें तो इसको किसी थाली या चॉपिंग बोर्ड पे भी बेल सकती हो। बिल्कुल बढ़िया से बेल लेंगे, ये देखिए हमने इसको ऐसा बेला है। एक बार इसको हम ऐसे उठा लेंगे। मैदा हल्का सा श्रिंक करता है, इसको आप चकले पे ऐसे फैला देंगे, बिल्कुल प्लेन। प्लेन फैलाने के बाद अब हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे। बिल्कुल सेंटर में हम ऐसे एक कटोरी को रखेंगे। हमने छोटी कटोरी ली है। कटोरी के बगल में अब हम जो आलू का मिक्सचर बनाए हैं उसको स्प्रेड करेंगे। हमें इसको बिल्कुल बढ़िया से स्प्रेड करना है। पहले के स्पून के हाथ से मिक्सचर को रखेंगे। रखने के बाद अब हम एक बटर नाइफ या कोई भी नाइफ या स्पून से हमें इसको फैलाना है बिल्कुल बढ़िया से और इसे बिल्कुल पतला फैलाना है, बहुत मोटा नहीं रखना है। थोड़ी देर में ये बिल्कुल बढ़िया से फैल जाएगा, ये देखिए। अब हमने इसको बिल्कुल बढ़िया फैला लिया और किनारे के साइड भी हमने हल्का सा प्लेस छोड़ा है। अब एक नाइफ की हेल्प से हमें इसको 16 पीसेस में कट करना है। पहले हम ऐसे कट करेंगे, फिर इसको इस साइड से कट करेंगे और फिर इन दोनों के बीच में से ऐसे कट करेंगे और फिर इस साइड ऐसे कट करेंगे। टोटल हमें 16 पीसेस में कट करना है। हमें इसे बहुत ही सावधानी से कट करना है। टोटल हमें 16 पीसेस में कट किया है, ये देखिए। कट करने के बाद अब हम थोड़े से मैदे और वाटर की स्लरी बनाएंगे और स्लरी को ये आगे के पार्ट्स में ऐसे लगा लेंगे।
ताकि जब हम इसे रोल करें तो वो बिल्कुल बढ़िया से चिपक जाए। फ्राई होने के बाद वो खुले ना, बिल्कुल बढ़िया से लगा लेंगे और किनारों के साइड भी स्लरी को लगा लेंगे। अब हम एक पार्ट लेंगे, उसको हम ऐसे हल्का सा खींचेंगे। हमें इसे बहुत तेजी से नहीं खींचना है, बस हल्का सा खींच के इसको ऐसे रोल करते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी से रोल हो जाएगा और हमने इसमें स्लरी लगाई है इसलिए ये बहुत ही अच्छी तरह से चिपक जाएगा। लास्ट में ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल बढ़िया से चिपका लें, नहीं तो ये फ्राई होने के बाद खुल जाएगा। ये देखिए कितना बढ़िया रोल बनकर तैयार है। ऐसे ही हम बाकी बचे हुए डोसे रोल बना लेंगे। हल्का सा खींचेंगे और फिर इसको रोल करते जाएंगे। इसको बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ये देखिए कितने बढ़िया से रोल बन गया, ये देखिए, और लास्ट में बिल्कुल बढ़िया से चिपका लेंगे। अब इसे ऐसे ही प्लेट में रखते जाएंगे। ये देखिए हमने सारा बना लिया। अब इसे गर्म तेल में ऐड करेंगे। जब तेल बिल्कुल गर्म हो तब ही हम इसको ऐड करेंगे और जब ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाए तब हम फ्लेम को लो कर देंगे। हम इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा। हम एक साथ बहुत सारा ऐड कर देंगे, ये एक साथ बहुत सारा फ्राई हो जाता है। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद अब इसे पलट लेंगे। इस समय हमने फ्लेम को लो रखा है। थोड़ी देर के बाद जब ये बिल्कुल क्रिस्पी दिखने लगे तब हम फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे लगभग हाफ मिनट तक फ्राई करना है ताकि हाई फ्लेम पे इसका कलर बहुत ही परफेक्ट आ जाए। अंदर से ये बिल्कुल अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है, बस लास्ट में हम हाफ मिनट हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आए। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। अब इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तब इसके साउंड सुनिए कितना क्रिस्पी है। हमने इसके साथ मिंट और मैंगो चटनी सर्व की है, आप इसे जरूर ट्राई करें। चटनी और सॉसेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ये देखिए कितना खस्ता बना है। हमारा टी टाइम क्रिस्पी समोसा बनकर तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।